पानी खाना खा के आया था, उसके बाद से पानी नहीं पिया था, तो जी प्यास लग रही है। और गाइस इतनी अच्छी चाय मिलती है यहाँ पर कि अगर आप एक बार पियोगे ना तो आप दीवाने हो जाओगे। ये राम मंदिर के पास में ही शॉप है चाय की, अभी नई शॉप है ना ये। आपको बैक कैमरा से दिखाएंगे शॉप और लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है, और मोना ने कुछ ज्यादा ही फिल्टर लगा दिया है, तो मैं तो बहुत गाइस देख सकते हो हमारी चाय और इतनी टेस्टी है। ये पहली बार पी रहे हैं, इनसे पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा लगा। बाजी का बहुत बेकार लग रहा है, अच्छी चाय तो अच्छी है पर मैं बेकार। हमने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे लग रहे हो, हमने बोला चाय कैसी लग रही है। अच्छी लग रही चाय, बहुत मजा आ गया। तो गाइस जो रतलाम के लोकल है और उन लोगों को नहीं पता है कि ये अभी नई शॉप ओपन हुई है, तो एक बार जरूर ट्राई करें, आप इसके दीवाने हो जाओगे। और चाय लवर तो आप हो ही सही, रतलाम के हो तो चाय लवर सभी होंगे, और भी ज्यादा मतलब आपको वो लग जाएगी लत, एक बार ना लत लग जाती है किसी चीज की। हम सेकेंड टाइम फिर गए हमें, एंजॉय करते हैं चाय को, फिर बात करते हैं आपसे। देख सकते हैं मैं आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ पर इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन है, और मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ, तो बस देख सकते हैं आप कि कितनी लंबी लाइन में खड़े रह के मैं प्रसाद लेने जा रही हूँ और गणेश जी के दर्शन भी करके आऊँगी। और ये हमारे यहाँ का गणेश जी का फेमस मंदिर है, तो बस यहाँ पर बहुत भीड़ रहती, डेली ऐसी ही भीड़ रहती है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ है। तो फ्रेंड आप भी दर्शन कर लीजिए और गणेश जी के भी दर्शन कर लीजिए आप सब, और व्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये वेडनेसडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो एंजॉय कीजिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर। लगने के बाद आखिर में हम प्रसाद लेके आ ही गए और कचौरी भी मिली हमको। इधर क्या जाओ, इधर क्या जाओ। और ये देखिए मेरी बिंदी कहाँ जा रही है, इसको सही कर लेते पहले। बहुत आला है यार, टेस्ट करके बताती हूँ। प्रसाद बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा प्रसाद है, मजा आ गया। गुरु हम लाइन में लगे ना तो हमको अखरा नहीं, क्यों नहीं अखरा, अखरा नहीं। लड़कों की तो बिल्कुल भी लाइन नहीं थी भैया, बिल्कुल भी मतलब लड़कियों को खाने की भूखी रहती ना, तो इसलिए लड़कियाँ प्रसाद घनी खाएंगे, घनी खाए तो भैया 80 प्रसाद कोनी खाना। चलो ठीक है, एंजॉय करते हैं। एडिटिंग करने में इतने बिजी की हमारे साथ मंदिर भी नहीं आए, बोले मैं नहीं चल रही हूँ कोई एडिटिंग करना, बहुत दिन हो गए उन्होंने ब्लॉग एडिट नहीं किया, ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया, तो ये आए नहीं है, बस मुँह देखो इनका नहीं आए। अच्छा हुआ लाइन में खड़ा रहने का बोलते थे ना, और इतना मुँह जाता। एडिटिंग चल रही है, आपको पता है गाइस कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, फिर कोई नहीं देखता। कचौरी खाने का बोला ना इनको, तो कचौरी मैंने कहा ना कचौरी खा, नहीं यार तू कैसे खा रही कचौरी, जब मैंने बोला ना ये, अरे ये तो दे दे मुझे थोड़ा सा बचाए, दे देते हैं यार, भगवान की प्रसाद है यार। तो
गाइस मुझे भी एडिटिंग करना है कल के व्लॉग की, मुझे कल वीडियो अपलोड करना है, तो मैं भी अब एडिटिंग कर लेती हूँ। मोतीचूर के लड्डू प्रसाद में आज तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गणेश जी बिठाए ना, मैं बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर और आज हम गए थे फ़ायदा बाज़ार, तो ये बस सामान हमने ला के ऐसे ही रख दिया था, इसको सेट नहीं मतलब जमाया नहीं था, तो बस अब वही घर आके वही कर रहे हैं, मंदिर से आके बस घर पे ये जमा देते हैं फटाफट से सारा सामान जो भी हम लेके आए हैं घर का। तो ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं पर बिल बहुत ज़्यादा बन गया है क्योंकि हम ऑयल लेके आए हैं फॉर्च्यून का, तो वो तो 15 लीटर की कोई कैन लेके आए हैं शायद, हाँ 15 लीटर की है, तो वो तो थोड़ी सी कॉस्टली आती है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बिल बन गया हमारा। बाकी हम तो ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं, बस बेसन भी, ये पास्ता और मैगी सबसे ज़्यादा है, और ये ब्रश लई हूँ मैं, मेरे लिए बहुत सॉफ्ट ब्रश है, और ये वाइल्ड स्टोन और बॉडी वॉश, ज़्यादा सामान तो नहीं है बट जो ज़रूरत का लगा सामान वो लेकर आ गए। बस हम इनको सेट कर देते हैं कहाँ क्या रखना है, और मैगी लवर है तो मैगी को सबसे ज़्यादा लेकर आए हैं, और ये भी हमको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा था तो हम ये भी लेकर आ गए हैं। फ्रेंड हम बेसन भी लेकर आए थे तो यहाँ पर बेसन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ हमने सोचा कि अभी भर लेते हैं इस टिफिन में और रख देते हैं, तो बस वही अभी सब निपटा लेते हैं। और ये देखिए है कोलगेट मैक्स फ्रेश रहो तरोताज़ा। और फ्रेंड्स वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।